हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में जो सिक्स टाइप का है आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सी सर्किट। ठीक है, तो जनरली हम इसे आरएलसी सीरीज सर्किट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको आरएलसी सीरीज सर्किट दिखाई दे रहा है। हम आरएलसी सीरीज सर्किट से क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें हमारे एलिमेंट हैं, जो हमारे कंपोनेंट हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये आपस में एक दूसरे से सीरीज में लगे होते हैं, और इनको सीरीज में जोड़ने के बाद में हम इनके अक्रॉस में एसी सप्लाई अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी वोल्टेज होगा, एसी वोल्टेज होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो हम उसे यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन में जो यहाँ पर हेडिंग दिखाई दे रहा होगा आपको, ये उसका सर्किट डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम को आप ड्रॉ करें अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ से इसकी थ्योरी या इसका थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखें, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एवं कैपेसिटेंस तीनों प्रकार के कंपोनेंट आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं, उसे हम आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, इसमें तीनों कंपोनेंट रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो रजिस्टर है, इसका जो रजिस्टेंस यहाँ पर आर होगा, इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल होगा, और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, जो एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी जो वैल्यू होती है 2πfL होती है। ठीक है, और जो हमारा एक्स सी होता है, इसकी वैल्यू 1/2πfC होता है, और जो हमारा यहाँ पर एक्स टी है, जो एक्स टी है ये टोटल रिएक्टेंस है, और टोटल रिएक्टेंस XL माइनस XC। अब ये टोटल रिएक्टेंस डिपेंड करता है कि XL का मान अधिक है या XC का। ठीक है, यदि XL का मान XC से अधिक है, XL इज ग्रेटर देन XC, तो उस कंडीशन में हम टोटल रिएक्टेंस XL माइनस XC लिखेंगे। लेकिन यदि XC का मान XL से अधिक है, XC इज ग्रेटर देन XL, तो उस कंडीशन में हम जो टोटल रिएक्टेंस है, इसको हम एक्स सी माइनस एक्सएल लिखेंगे। ठीक है, तो सभी को यहाँ से क्लियर होना चाहिए, जो आपका रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इनके क्रॉस में यदि हम वोल्टेज देखें, इनके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप देखें, तो क्या हो रहा है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे कि जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ये वी आर है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ये वी एल है, और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें, तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज वी, यहाँ से आप इम्पीडेंस ट्रायंगल, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो यहाँ से देखोगे वी इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वी एक्स क्या है, ये जो हमारा रिएक्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज है, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का सम है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगी, ये इक्वेशन मिलेगी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखोगे, आपको पता कि वी आर की वैल्यू क्या होती है, वी आर की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए, वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर, वी एल इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल, वी सी इक्वल्स टू आई इंटू एक्ससी होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे वी आर वी एक्स की जगह में, तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आई दोनों में कॉमन है। ठीक है, हम यहाँ से कॉमन आई की वैल्यू ले लेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आई बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर के फॉर्म में है तो आपको रूट के बाहर लेंगे तो आई के फॉर्म में यहाँ बाहर आ जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो V डिवाइडेड बाई I, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करेंट, इक्वल्स टू क्या होता है, इम्पीडेंस Z।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर v डिवाइड बाई i को हमने यहाँ पर z से डिनोट कर दिया, z लिख दिया, z इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपको टोटल इम्पीडेंस मिल जाएगा, ठीक है, किस में होगा, ये ओम में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करंट की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, v डिवाइड बाई z, z की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट लेना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे पावर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पावर पी इक्वल्स टू वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होता है, मतलब वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पावर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कॉस फाई आपको पता है आर डिवाइड बाई जेड, ठीक है, जो कॉस फाई होता है रजिस्टेंस और इम्पिडेंस का रेशो होता है। इस प्रकार से आप देखोगे इसका जो वेक्टर डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, वेक्टर डायग्राम में हमेशा जो हम वोल्टेज लेते हैं उसे हम एक्स एक्सिस में लेते हैं, वोल्टेज को रिफरेंस मानकर चलते हैं और वोल्टेज को रिफरेंस मानकर हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पर वेक्टर डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर वोल्टेज को इसमें एक्स एक्सिस में ले लिए हैं और जो वाई एक्सिस में हमने इसके करेंट को ले लिया है। यहाँ पर क्या है कि हम जो केस इसमें ले रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो सकता है, एक्सएल माइनस एक्सी हो सकता है या एक्सी माइनस एक्सएल हो सकता है, इट मीन्स कि एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी या फिर एक्सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल। तो मैं यहाँ पर एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी केस को पहले इंक्लूड करूँगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर जब एक्सएल का मान एक्सी से अधिक होगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडक्टिव करंट होगा वो लैग करेगा, जो करंट का मान होगा वो लैग करेगा कुछ ना कुछ थीटा डिग्री एंगल पे, ठीक है, थीटा या फाइव डिग्री आप ले सकते हैं, हम जनरली कॉस फाइव बोलते हैं तो हम फाइव लेके चलेंगे, तो फाइव डिग्री एंगल पे जो हमारा करंट जो होता है वो लैग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, यहाँ पर हमने एक्सएल को ग्रेटर देन लेके चल रहे हैं तो उस केस में देखिए यहाँ पर ये लैग कर रहा है, जब इसका रिजल्टेंट मिलेगा तो ये इसका रिजल्टेंट एंगल मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट करंट है वो आई यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर इंडक्टिव करंट है, यहाँ पर रजिस्टिव करंट है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर रिजल्टेंट करंट ये मिल जाएगी आई, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को क्लियर होगा। देखो तीनों केस के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो केस होते हैं इसके, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, मतलब इसके अलग अलग। तो जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा तो उस समय जो पावर फैक्टर होगा वो कितना मिलेगा आपको, यूनिटी, ठीक है, पावर फैक्टर का मान वन होगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है, उस केस में आप यहां पर ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर, इट मीन्स जेड इक्वल्स टू आर, ठीक है, जब जेड की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती है तो उस समय पावर फैक्टर का मान वन हो जाता है, यूनिटी हो जाता है, ठीक है, पावर फैक्टर इकाई हो जाता है। फिर हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में जब एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी, मतलब जब एक्सएल का मान एक्सी से अधिक हो, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा, ठीक है, जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा। लैगिंग का मतलब है कि जब करंट वोल्टेज से पीछे रहे, ठीक है, लैग करे। इसके बाद में हम केस थर्ड की स्टडी करेंगे, तो इसमें है कि ये केस थर्ड में क्या है कि जब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब है कि जब करंट वोल्टेज से आगे चलता है, लीड करता है 5 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब हम आरएलसी सीरीज सर्किट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लें और इसको आप अपने नोटबुक में नोट करें, है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको मेन एग्ज़ाम में, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट में है 200 वोल्ट लैंप का एक सेट 2.5 एम्पियर करंट लेता है, ठीक है, उनके साथ सीरीज में जुड़े हुए चोक कॉइल की इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए,
ताकि वह 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कार्य कर सके। वोल्टेज और करंट का फेज एंगल क्या होगा? इट मींस जो कॉस फाई का जो फाई होता है, आपको सिर्फ फाई निकालना। फेज एंगल का मतलब होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला एंगल फेज एंगल, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाई की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये सोल्यूशन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको वन बाई वन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो हम यहाँ से सबसे पहले रेजिस्टेंस का टोटल जो लैम्प का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प आर इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आई। आपको पता कि जो वोल्टेज दिया है लैम्प्स के लिए वो 200 वोल्ट है और जो उसका करेंट है 2.5 है। तो इस केस में आपको पता कि वोल्टेज डिवाइड बाई करेंट इक्वल्स टू क्या रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 80 ओम मिल जाएगा। आफ्टर दैट इम्पीडेंस जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आई। तो यहाँ पर जेड इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस वोल्टेज की लेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमें एसी वोल्टेज की बात हो रही है, 50 हर्ट्ज सप्लाई यहाँ पर बोल रहा है। तो 250 डिवाइड बाई 2.5 करेंट दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पर करेंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 100 ओम इम्पीडेंस मिल गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान 80 है और इम्पीडेंस का मान 100 यहाँ से फाइंड हो गया। अब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमको जो है इंडक्टेंस की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो बोला है कि आप इसका इंडक्टेंस ज्ञात करें, लिखा यहाँ पर इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें फेज एंगल भी बताइए। तो यहाँ से हम इंडक्टेंस निकालने के लिए हम एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे, तब जाके हमको एल इंडक्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एल, ये इंडक्टेंस है ना, ये इंडक्टेंस है जो क्वेश्चन में आपको बोला है, ठीक है। इंडक्टेंस यहाँ से आपको एल निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे एक्सएल इक्वल्स टू पाई एफ एल, तो एल इक्वल्स टू एक्सएल डिवाइडेड बाई टू पाई एफ, ठीक है। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक्सएल का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि एक्सएल होता है रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट किए इस तरह से, तो यहाँ पर आपको इतना ओम एक्सएल की वैल्यू निकल जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। फिर इसके बाद में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल्स टू पाई एफ एल होता है, तो हम यहाँ से इंडक्टेंस की वैल्यू एक्सएल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्सएल इक्वल्स टू रू एक्सएल डिवाइड बाई टू पाई एफ इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई टू इंटू 22 बाई 7 इंटू 50। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.1909 हेनरी। आपको ये एल की वैल्यू मिलेगी, इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी। आफ्टर दैट पावर फैक्टर निकालेंगे। पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है, आर 80 दिया है और जो आपका जेड दिया हुआ है वो 100 दिया है, ये जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। ये हमने जो निकाला था इसकी वैल्यू को, जो ये निकाले थे वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो 0.8 आ गया, कॉस फाई 0.8। तो जब कॉस इनवर्स निकालोगे तो फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 36.52। आप अपने कैलसी में कॉस इनवर्स और कोष्टक में 0.8 लिखोगे तो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सभी क्लियर है? चलिए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये हमने एक जनरल क्वेश्चन करवा दिया है, यहाँ पर जेड वगैरह निकाला। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आरएलसी सीरीज सर्किट पे बेस्ड होगा। तो आरएलसी सीरीज सर्किट का जैसे कि हमने जस्ट अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि किस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, किस प्रकार से इसकी थ्योरी लिखना है हमें। अब हम इसका देखेंगे कि किस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल्स को डील करना है। तो एक कॉइल का रेजिस्टेंस 5.94 ओम और इंडक्टेंस 0.3 हेनरी है। इसके सीरीज में एक 35 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञात करना है आपको इम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल, कॉइल की वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज और पावर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। आई थिंक सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं 10 सेकंड के लिए आपको समय देता हूँ, क्वेश्चन को आप समझ लें पहले, ठीक है। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो यहाँ से हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे, 2πfL में हम रखेंगे वैल्यू को। एफ की वैल्यू फ्रिक्वेंसी की दिया हुआ, इंडक्टेंस दिया हुआ 0.3 हेनरी,
ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको यहाँ से 110 ओम एक्सएल की वैल्यू मिल जाएगी। कैपेसिटेंस एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू निकालने के लिए 1/2πfc, फ्रिक्वेंसी 50 और सी जो दिया हुआ है यहाँ पर 35 माइक्रो फैराड को फैराड में कन्वर्ट करोगे तो 35 से 10^6 को डिवाइड कर दोगे तो ये फैराड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 90.9 ओम। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम आपका RLC सीरीज सर्किट है, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। मान लो इसकी वैल्यू ये गिवन है ना, ये मैंने कहाँ से लिखा हूँ, ये यहाँ से मैंने उठा के इसको लिख दिया हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो ये मैंने वैल्यू को पुट कर दिया हूँ। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हूँ और यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम में शो कर दिया है। अब इसके बाद में हमको इम्पीडेंस निकालना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप इम्पीडेंस को फाइंड करें, जेड की वैल्यू को फाइंड करें। आपको पता है कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √R² + XL - XC² ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू को पुट करना है, जो कि आपने इम्पीडेंस की वैल्यू, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर 40 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद को करना है, मैं कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलिए इसकी हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका था। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंट की वैल्यू निकालना है, थर्ड क्वेश्चन है फेज एंगल निकालना है, फिर कॉइल का वोल्टेज निकालना है, कैपेसिटर की वोल्टेज निकालना है और पावर निकालना है, तो हम 1x1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। करंट की वैल्यू V/Z होता है, करंट I = V/Z, V यहाँ पर 200 वोल्ट दिया है, हमने Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू 20 ओम निकाला है, जस्ट अभी निकाल के देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको Z की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपको 10 एम्पियर करंट मिल जाएगी। फेज एंगल निकालोगे, फेज एंगल में cos φ = R/Z होता है, R की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में 5.94, Z की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने निकाला है 20 ओम, इसको आप डिवाइड कर दोगे R को Z से, तो आपको यहाँ पर जो पावर फैक्टर है ये लैगिंग पावर फैक्टर मिल जाएगा। लैगिंग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अधिक है, इट मीन्स XL = XC। ठीक है, इसलिए हम इसको लैगिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम cos phi की वैल्यू थी, अब हम phi की वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स ले लोगे आप, cos इनवर्स 0.297, तो इस केस में आपको यहाँ पर जो फेज एंगल है, इट मींस वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो आपको 72.14 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कॉइल का इम्पीडेंस फाइंड कीजिए, तो कॉइल का इम्पीडेंस फाइंड करना है, जेड की वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉइल की बात हो रही है यहाँ पर, उस सर्किट की बात नहीं हो रही, आपको शब्दों पे ध्यान दें। ठीक है, आप यहाँ पर कीवर्ड देखें, कॉइल का इम्पीडेंस फाइंड करना है ना कि सर्किट का, तो कॉइल का इम्पीडेंस आपको फाइंड करने के लिए कॉइल का रेजिस्टेंस, जो कि कॉइल का रेजिस्टेंस दिया था 5.94 और कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, तो यहाँ से आप इसमें क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ फार्मूला अप्लाई करोगे √R² + XL² ठीक है, यहाँ पर XL - XC बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान देंगे आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर यही लॉजिक है कि जो यहाँ पर कॉइल का इम्पीडेंस की बात की जाए तो आप टोटल ओवरऑल इम्पीडेंस ना समझें, कॉइल का इम्पीडेंस से मतलब है कि √R² + XL² हम R क्यों लेते हैं, रेजिस्टेंस, क्योंकि कोई भी कॉइल होगी उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉइल हो और उसका रेजिस्टेंस ही ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यदि ऐसा होगा तो वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर यहाँ नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉइल का इम्पीडेंस कुछ इस प्रकार से 110.2 ओम। ठीक है, फिर हमको निकालना एक्चुअल में क्या था, कॉइल का इम्पीडेंस नहीं निकालना था, कॉइल के मध्य वोल्टेज ड्रॉप निकालना था, कॉइल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालना था। ठीक है, तो VL = I * Z होता है, लेकिन Z कौन सा हम लेंगे, कॉइल का इम्पीडेंस लेंगे ना कि ओवरऑल, क्योंकि कॉइल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेना है, तो हमने I * Z और Z ये वाला मान लेंगे। ठीक है, जबकि Z एक 20 ओम भी निकला था, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो कॉइल के क्रॉस, जो XL के क्रॉस, जो आपका जो L है इंडक्टर है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 1102 वोल्ट। ठीक है, ये उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा।
इसमें देखते हैं, बोला है कि कैपेसिटर के मध्य वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पर देखोगे VC इक्वल्स टू, क्योंकि वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है, तो VC इक्वल्स टू I इंटू XC। तो यहाँ से आप देखोगे जो VC है वो IXC, तो I पता है आपको, यहाँ से 10 मिला था आपको यहाँ पर I की वैल्यू, और XC भी आपने निकाला था पिछली स्लाइड में, हमने देखा था XC की वैल्यू 90.9, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 909 वोल्ट आपको यहाँ से कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? फिर आपको पावर भी क्लियर होना चाहिए, पावर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू 10 दिया, 10 का स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई बाई 5.94, आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 594 यहाँ से आपको पावर मिल जाएगा इन वाट, ठीक है, वाट में आपको पावर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सर्किट सॉल्व करना है, वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, आपको इसी प्रकार से अप्लाई करना होता है। अब उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या क्या वैल्यू को निकालने के लिए क्वेश्चन ही पूछ रहा है, जरूरी नहीं कि यही सारी चीज़ें पूछे, लेकिन इन्हीं में से पूछेगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जितनी मैंने इस क्वेश्चन में करवाए हैं मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ज़्यादातर आपको इम्पीडेंस, करेंट और पावर फैक्टर निकालने के लिए बोला, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आपको इसमें इन चीज़ों को भी निकलवा के बता दिया हूँ कि किस प्रकार से आप यदि इन केस कॉइल का इम्पीडेंस या किसी कॉइल के मध्य वोल्टेज या कैप्चर के मध्य वोल्टेज यदि पूछता है तो आप यहां से इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए आज की क्लास इतनी ही।